आप देख रहे हैं पार ब्रेकफास्ट और एसजेक्स निफ्टी को देख लेते हैं। हालांकि एसजेक्स निफ्टी एशियन मार्केट या फिर यूएस मार्केट एक म्यूटेड स्टार्ट का ही इंडिकेशन दे रहे हैं। एसजेक्स निफ्टी अभी भी फ्लैट है। अच्छी बात यह है कि जब ये सुबह ओपन हुआ था तो थोड़ा सा नीचे था, 0.13% की सॉफ्टनेस के साथ ओपन हुआ था, अभी रिकवर हुआ है लोअर लेवल से और अब हरे निशान में आ चुका है। 8 अंक की बढ़त के साथ 10,114 के लेवल्स पर एसजेक्स निफ्टी ट्रेड कर रहा है। आज जो ब्रिजेश ने टारगेट भी दिया एसजेक्स निफ्टी पर वो 10,110 के हैं। लेकिन आगे बढ़ेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट खबरें हैं वो आपको बता देते हैं, उसके बाद कमोडिटीज की ओर रुक भी करेंगे। और इंपॉर्टेंट खबर यह है कि एलपीजी सिलेंडर पर मिलने वाली जो सब्सिडी है वो खत्म होने जा रही है और सरकार अब हर महीने एलपीजी सिलेंडर कीमतों में 4 रुपए प्रति सिलेंडर की बढ़ोतरी करेगी। पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि अगले साल मार्च से सब्सिडी वाले सिलेंडर और नॉन सब्सिडी वाले सिलेंडर्स के बीच कीमतों का गैप खत्म कर दिया जाएगा और एलपीजी सिलेंडर पर 1 जून से ही प्रति सिलेंडर 4 रुपए की बढ़ोतरी कर दी गई है। इससे पहले सब्सिडी वाले एलपीजी सिलेंडर पर 2 रुपए प्रति सिलेंडर ज्यादा कीमत देनी पड़ रही थी। और वहीं केंद्र सरकार ने आधार से पैन को लिंक कराने के लिए 31 अगस्त तक की डेडलाइन तय कर दी है। सरकार ने आधार को पैन से लिंक करना जरूरी कर दिया है और 31 अगस्त तक अगर आपका आधार पैन से लिंक नहीं हुआ तो आपका पैन कैंसिल हो जाएगा। इससे पहले केंद्र सरकार ने 1 जुलाई से इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने वालों के लिए आधार को पैन से लिंक कराना जरूरी कर दिया है और सरकार ने टैक्स चोरी को रोकने के लिए आधार को पैन से लिंक कराने का ये कदम उठाया है। चलिए सीधे कमोडिटीज को रुख कर लेते हैं। अजय केडिया हमारे साथ मौजूद भी हैं फोन लाइन पर, उनसे बातचीत करते हैं। मिस्टर केडिया, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू जी बिजनेस। पहले तो क्रूड पर ही आपका आउटलुक चाहिए। इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड का जो पिछले हफ्ते का गेन है वो एक्सटेंड हो रहा है। $52 के ऊपर है ब्रेंट क्रूड और नायमेक्स क्रूड $50 के ऊपर है। घरेलू बाजार में अभी भी क्या लॉन्ग पोजिशन क्रूड पर होल्ड करनी चाहिए या फिर नहीं, और नए ट्रेडर्स को क्या करना चाहिए? गुड मॉर्निंग, ओपेक की मीट के बाद हम के लिए जो एफर्ट्स थे वो कहीं ना कहीं रंग दिखा रहा है। $50 WTI तो चुका है, साथ में जियो पोलिटिकल टेंशन जो है वो कहीं ना कहीं पहले से सपोर्ट कर रहा है। देखने वाली बात ये है कि 6 महीने में हमने देखा है कि वापस $52 से $54 का जो रेंज है वो काफी स्टिफ रेजिस्टेंस देखते हुए आया है। टाइमिंग नहीं लगता बाय से जो है बट एक स्टॉप लॉस के साथ, क्योंकि ये काफी हाई लेवल से, क्योंकि ये साल में हमने देख चुके हैं कि $50 तक करने के बाद वापस गिरावट आ जाती है। तो टाइमिंग प्योर इंटर देखने जा सकते मुझे लगता है 31 ठीक है। अजय आपके ऑडियो क्लियर नहीं है, मैं व्यूअर्स को बता देती हूँ। जो आपने स्ट्रैटेजी बताई है 3170 के लेवल पर क्रूड ये बाय करने की सलाह दे रहे हैं, 3220 के इनके टारगेट्स हैं, 3140 का आपको स्टॉप लॉस क्रूड में मेंटेन करना है। दूसरी कमोडिटी कौन सी है अजय आपकी ओर से आज इंट्राडे के लिए? दिवाली मुझे लगता है गोल्ड काफी कल के सेशन में हमने एक रिबाउंड ट्रेड होते हुए देखा। ओवरऑल अगर जुलाई की बात करें तो गोल्ड में हमने काफी अच्छा एक तेजी का रुख आते हुए देखा फेड के अपडेट के बाद। टाइमिंग ये हफ्ते में जो की इवेंट्स है, की डेटा है, वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि गोल्ड में एक प्रॉफिट बुकिंग दे सकता है। बट आज के लिए मुझे लगता है कल की तरह स्टडी रेंज रहेगा, बाय करके चलना चाहिए गोल्ड, जो ऊपर में 28,850 का टारगेट रहेगा। ठीक है, इंटरनेशनल मार्केट में भी गोल्ड का भी थोड़ा स्टडी रहा है, अपने 7 वीक्स के हाइस पर ट्रेड कर रहा है। आज के लिए MCX पर 28,700 के लेवल पर आपको खरीदारी करनी है, 28,850 का टारगेट, 28,600 का स्टॉप लॉस। लेकिन ऑटो स्टॉक्स आज फोकस में रहेंगे क्योंकि आज ऑटो सेल्स के नंबर्स आने हैं और ये नंबर्स कैसे एक्सपेक्टेड हैं ये जान लेते हैं सुमित से। सुमित, इंपॉर्टेंट सेल्स नंबर्स होंगे क्योंकि GST रोल आउट के बाद का ये पहला महीना है, कैसे एक्सपेक्टेड है ऑटो बिक्री के आंकड़े? दीपाली, दो तरह के व्यूज़ हैं जो ब्रोकर हाउस की रिपोर्ट्स कहती हैं। एक तरफ व्यू कहता है कि कुछ इन्वेंट्री पाइलअप की गई है, कुछ का कहना है कि जब तक ईज आउट नहीं होगा GST का पूरा इंपैक्ट, तब तक दोबारा इन्वेंट्री नहीं खरीदी जाएगी। लेकिन जो नंबर्स उसके हिसाब से देखें तो मारुति, जिसको करीब 11% के आसपास ही ग्रोथ का अनुमान लगाया जा रहा है, एक अच्छे नंबर्स यहाँ पर आ सकते हैं। M&M की टोटल सेल्स करीब 7% बढ़ने का अनुमान है, जिसमें मेजरली ट्रैक्टर बिक्री जो है वो लीड करेगी। करीब करीब 23% के आसपास ट्रैक्टर बिक्री बढ़ सकती है, लेकिन कंपनी के जो बाकी प्रोडक्ट है वहाँ पर डी ग्रोथ आते हुए दिखाई पड़ सकती है। वहीं टाटा मोटर्स की तो LCV सेगमेंट का परफॉर्म करके जाएगा, 18% के आसपास ही ग्रोथ का अनुमान लगाया जा रहा है। M&HCV जो है वो भी करीब 16-17% के आसपास बढ़ सकता है। अशोक लेलैंड भी 19% बढ़ने का अनुमान, यानी कमर्शियल व्हीकल स्पेस जो है वो थोड़ा बेहतर परफॉर्म कर सकता है, आउट परफॉर्मेंस आ सकती है, सिवाय आयशर के। आयशर में थोड़ा प्रेशर आ सकता है कमर्शियल व्हीकल स्पेस में। टू व्हीलर स्पेस में जो लीड करेगा वो आयशर ही होगा, यानी कि जो रॉयल एनफील्ड की बिक्री है 19% के आसपास बढ़ने का अनुमान है। फिर हीरो मोटोकॉर्प करीब 14% के आसपास बिक्री बढ़ सकती है। उसके अलावा TVS मोटर करीब 11-12% के आसपास बिक्री बढ़ने का अनुमान है। हालांकि बजाज ऑटो जो है वो टू व्हीलर स्पेस में थोड़ा सा लैगर्ड रह सकता है। तो जो नंबर्स है उसमें कमर्शियल व्हीकल लीड करेगा, पैसेंजर व्हीकल में थोड़ी स्लो ग्रोथ रहेगी, मारुति आउट परफॉर्म कर सकता है और रॉयल एनफील्ड के अच्छे नंबर आने का अनुमान लगाया जा रहा है। ठीक है,
चलिए शुक्रिया सुमित आपका. तो सुमित ने बताया कैसे नंबर्स एक्सपेक्टेड हैं. मारुति एमएनएम के नंबर्स डिसेंट रह सकते हैं, आयशर मोटर्स के नंबर डिसेंट एक्सपेक्टेड है, फ्लैट नंबर्स रह सकते हैं टाटा मोटर्स के. वहीं आयशर मोटर के जो कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट के नंबर्स हैं वो इंपॉर्टेंट रहेंगे, और टू व्हीलर ऑटो सेल्स भी. हालांकि एक्सपेक्टेशन है कि हीरो मोटोकॉर्प के नंबर्स 10% से ज्यादा की ग्रोथ आ सकती है ओवरऑल सेल्स में. शुक्रिया सुमित आपका ये सेल्स नंबर्स बताने के लिए.